श्रवण कर रहे सो जेको सिख गुरु से तिसान मुख होवे। आखिर गुरु से तिसान मुख क्यों ते किमें होवे? दूसरा प्रमाण दिता जा रहा है, गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे। सन्मुख होने का प्रतीक किवें होता है? नहीं तो सन्मुख का आखरी अर्थ तो सामने होना है, पर साडा तुहाडा गुरु दे सन्मुख होना सामने होना तक सीमित है। ते गुरु कहंदे ने नहीं, गुरु की आज्ञा मन में सहे। आपस को कर कछ ना जनावे, हर हर नाम रिदे साध्या। ये सन्मुख दी निशानी है। हुण मसला है भी सन्मुख क्यों होना है? मैं चाहना इस सब्जेक्ट नू रात भी मसला सी उन दिन नाल संबंधित ही इस सब्जेक्ट नू तुहाडे नाल कुछ सांझा करां। गुरु कहिंदे ने सतगुर पिछे भज पवे,
सतगुर पीछे पाज पवे सतगुर पीछे भज पवे करनी सा खजाने
गणित तिनादी
कोई क्या करे, जे आप बख्शे करता हारे ने सिरज देता है। जे रा मटीरियल ना होवे ता कोई परिवर्तनशील कारीगर की बनाए। इट्टा होन गियां,
सीमेंट होएगा, लकड़ होएगी, लोया होएगा, ता ही घर बनाएगा कोई मिस्त्री। मिस्त्री नू लिया के घर बिठा लो, रा मटीरियल होवे ना। एक ख्याल कर लियो, दोवां चीजां दी लोड़ दा एहसास क्यों जगाया है? रात दा सब्जेक्ट ऐसी कि सिरजदा मनुख एक दिन है, स्वर दा रोज है। किनू स्वार्थ है जेड़ा सिरजिया? सिरजना नू ही तो स्वार्थ है। जे सिरजना ही ना हुंदी तो स्वार्थ किसनू हुंदा? घर बनया तो उंदी सफाई करनी है, कपड़ा बनया तो उन्हू धोण की लोड़ पई है। बस ऐथे इस गल नू अज समझना है, सिरजदा कौन है, स्वरदा कौन है? सिरजनहार इको है जिन्नू रब आखदे। गुरु ने बाणी विच आखिया, कहंदे ने सोई मौला सोई मौला जिन जग मौलिया, करन करन प्रभ एक है दूसर नाही को। सोई मौला जिन जग मौलिया, हरिया किया संसारो, आब खाक जिन बंद रहाई। पानी बना देता, सागर बना देते, ते केडी अजीब गल है, पानी दे उत्ते धरती टिका दित्ती, खाक मिट्टी दी बनी हुई। तुसी बाल्टी पानी दी लो, उन्दे विच मिट्टी रख दे, गल जाएगी, होंद कायम नहीं रख सके, घुल जाएगी, चिकड़ बन जाए। पर इस आब ते भाव पानी ते, फारसी का लफज आब है, इस मिट्टी खाक की धरती बना के टिका दिती, और कोई दो चार दिन दस दिन का काम नहीं, पता नहीं किन्निया सदियां किन्ने युग बीत गए ने इस धरती नू आब से खाक नू आब दे उत्ते टिकिया होया, पर उन्हें रखा होया, न गलती है न डुबदी है। सिरजनहार आब खाक जिन बंद रहाई, सोई मौला सोई मौला जिन जग मौलिया, हरिया किया संसार, आब खाक जिन बंद रहाई, तन सिरजनहारो। ओ है सिरजनहार, सिरजनहार बनाउंदा है। पर एक ख्याल करियो, रात तो सब्जेक्ट अपन नाल लेना है, बनाउंदा है।
रॉ मटीरियल तैयार कर दिया। मनुख उसने बनाया है, कोई साधु नहीं बनाया, कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनाया, कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर नहीं बनाया। ले तू जो मर्जी बना ले, रॉ मटीरियल उन्हें बना दिता है, मनुख बना दिता है, उनके विच चेतना धर दिती है। इनू तू की शेप देना है, जड़ी भी शेप देना चाहेगा वो जे कॉलेज विच वो जे स्कूल विच जाना पाएगा। असी अकैडमी के दरवाजे ते एक पिछली बार लिखा सी अज बोर्ड लगना है, उन्दे च गुरबाणी का एक लफज है, सतसंगत सतगुरु चटसाल है, पाठशाला है। चटसाल का मतलब जिथे चाटड़े विद्यार्थी जेडे गुरु दे रब दे गुण सिखन आना चाहन वो आ जान। चटसाल है जित हर गुण सिखा, क्योंकि जो कुछ बनना चाहेगा वो बनेगा। रॉ मटीरियल मनुख रब ने तैयार कर दिता है। और एक अजीब गल है शब्द दे अंदर जिहड़ी साडे सामने खोल के रखी गई है कि रब प्रभु सृजनहार है, स्वरणहार नहीं। लो आ शब्द जे कुसे सिख गुरु से सानमक होवे दी लोड़ क्यों है, क्योंकि वह सृजनहार है, स्वरणहार नहीं। मिस्त्री ने बना दिता है घर, उन्हें रोज थोड़ी सफाई करन नहीं आने, मिस्त्री ने घर बना दिता है। पर एक ख्याल करो, इस घर में धूड़ पैनी है, रात भी लोस है। तो जे तुसी आखो भी घर मिस्त्री ने बनाया इसलिए मिस्त्री रोज आवे थोड़ी सफाई करने वास्ते, बिल्कुल गलत है। उन्हें सफाई करनी होना, सफाई करने वाला होर होगा, वो सृजनहार है, स्वरणहार नहीं। बल्कि रात दे एक लफज नूं होर मैं नाल लवां कि जदों मन मैला हुंदा है ना, सब कुछ मैला हो जाता है, तो वह है निर्मल। इत रात लफज आया सर, वह है निर्मल। निर्मल चिट्टे कपड़े पा के कोई बैठा होवे ते कोई मैले हाथ उस लाना चाहे नहीं लाता, कहता नहीं पता बैठ तेरे हाथ मैले ने। रात दे लफज नूं नाल जोड़ा, रात सी मैला मलता ए संसार, एक हर निर्मल जग का अंत न पार। वो निर्मल है, जदों संसार मैला हो गया उन्हें आख्या मेरा संसार, जिहड़ा भी संसार का मनुख मैला हुंदा जाएगा रब नालों हुंदा संबंध टुटता जाएगा। लो ए शब्द का आरंभ हुण एक बारी दोबारा सुनिए, गुरु कहते हैं आपे कुदरत साज के, आपे करे विचार। सारा ब्रह्मांड, सारी कुदरत, असी तुसी सारे उस मालिक दा बनाया होया, सिरजिया होया एक तमाशा है। और उन्हें देखिया है भी हुण मेरे नाल किंदा संबंध जुड़दा है, इसलिए उन्हें परखना शुरू किया है। देखिया इस संसार अंदर कुछ खोटे बन गए ने, सतगुण पानी बचाते एक खोटे एक खरे, एक खोटे एक खरे। एक होर शब्द विच लफज ने निशानी की है, खोटे जात ना पत है, खोट ना सी जिसको,
खोटे खोट कवावना। खोटे दी निशानी की उन्हूं हमेशा खोटे काम करने ने, बल्कि जो गुरु दरबार विच भी आ जाए, सतगुरु ने बाणी विच आख्या कहिंदे साकत जाए निवे गुर आगे मन खोटे, साकत जाए निवे गुर आगे मन खोटे, कूड़ कूड़ियारे जां गुर कहे उठो मेरे भाई, बह जाए कुसर बह जाए कुसर बगला रे। ऊपर चिट्टा है अंदरों काला है, पर संसार दे मनुख भुलेखा खा सकते ने भी ये चिट्टा है हंसी होवेगा, पर गुरु कहिंदे ने रब भुलेखा नहीं खांदा, एक खोटे एक खरे आपे परखनहार, परखनहार आप है। सतगुरु ने बाणी विच आखे है नानक पारख आप, वो किसे ते नहीं छड़ना, ओंदी संसार दी परख आप कर रहा है नानक पारख आप, जिन खोटा खरा पछाणिया, खोटे ते खरे दी पछाण कर दे, ते फिर खोटिया नू परवान नहीं करता। मत कोई समझे कि चिट्टे कपड़े पा के लंबे चोले पा के कोई गात विच माला फाड़ के परवान हो जाएगा, परवान नहीं करता। सतगुरु ने आख्या एक खोटे एक खरे आपे परखनहार, ते बेलिहाज है उथे कोई रिश्वत नहीं चलती, बल्कि कह लगे खरे खजाने पाई है खोटे सटिए बाहर बार, खरे नू अपने खजाने में पा लेंदा ते खोटिया नू बाहर सुट देंदा। दुनिया भी तो यो कर दी है, लो रुकना है, दुनिया का फर्क इन्ना ही है ना भी वह परख नहीं कर सकते, जे उन्होंने परख आ जाए संसार अंदर और नकली करंसी भी चलती है ना, जिन्हें बनानी है उन्हें यह सोच के ही बनानी है भी संसार नू पता नहीं लगना, शक्ल उन्हें बिल्कुल उस बना देनी भी संसार नू पता ही नहीं लगना। जिन्हें साध डेरे चल रहे ने इसे सहाय चल रहे ने, किसी नू लोगों नू पता ही नहीं, सारे रब रब करी जांदे, पर एक ख्याल करियो मालिक इहो जिहा जिहड़ा आप परखदा है ते परख के अपने खजाने विच खरियां नू पा लैंदा है खोटियां नू सुट दिंदा है, उहदे कोल परख है इसलिए उहदी निगाह तो कोई बच नहीं सकदा, वेख नदरी हेठ चलाइंदा, हर एक नू वेखदा है ते निगाह विचों उहदे कढदा है भी खरा केड़ा है खोटा केड़ा है। हुण इत्थे खलोना है, कहिंदे ने इह तां संसार भी करदा जे परख आ जाए खोटे नू कौन थां देवेगा अपने गले विच अपनी तिजोरी विच, पर कोई इहो जिहा साधन भी होना चाहीदा है जेड़े सच्ची दरगाह विचों सुटे जान। खोटे सच्ची दरगे सुट गया, जेड़े सुटे जान किस आगे करें पुकार, लो सवाल तो इतने फिर सतसंगत का की फायदा होया, फिर इनका मतलब होना कोई चंगा रास्ता नहीं, लो
आ है तरस, इनू कहिंदे ने दया। किसे गरीब लई दया करना, किसे पापी लई गुनाहगार नू बदलना, ये दया है। साधु नू किसे ने साधु की बनाउणा, अमीर नू किसे ने अमीर की बनाउणा, खूबसूरत नू किसे ने खूबसूरत की बनाना है। स्वाद तां है किसे बदसूरत नू कोई खूबसूरत बना देवे, किसे गरीब दे घर विच कोई दौलत दे देवे। लो एथे सवाल ही है। कहन लगे खोटी सच्ची दरगे सुटी है, वो तो सिर्फ इंसाफ दा कर, वो सिरजनहार है, सफाई दा जिम्मेवार नहीं, स्वर्णहार नहीं। पर एक ख्याल करो, हर एक प्रोडक्शन वाले नू बनाने वाले नू एक ख्याल होना चाहिए है भी मेरी प्रोडक्शन कदी मैली होनी है, जिस इन दे विच कोई ना कोई नुक्स पैना है। इनू स्वर्ण वाला भी कोई होना ही चाहिए है। कोई होना चाहिए है। आ तुसी कारा खरीदते हो ना, ते जे कार बनाने वाला बना देवे उनकी रिपेयर कभी हो ही ना सके, उनके जदों को नुक्स पै जाए कोई देख ही ना सके, बनाने वाले ने बना दी, तुसी ऐसी कार खरीदोगे? मेरे रब ने ये ठीक है कि वो आप स्वर्णहार नहीं, वो सृजनहार है, पर है बड़ा सियाना। उन्हें आखिया मेरा संसार जेड़ा है इन्दे वजह धूड़ उड़ नहीं है, खाक खाक तो पैदा हुई है। सतगुरु ने बाणी विच इसे लिए आखिया फरीदा खाक ना निंदिए है, खाकू जेड़ ना कोए, तू मिट्टी तो पैदा हुए है, मिट्टी तो नफरत कर रहे हैं क्योंकि मिट्टी मैला कर दी है। फरीदा खाक ना निंदिए, खाकू जेड़ ना कोए, तू तो तेरा संबंध टुट ही नहीं सकता, जीवदियां पैरां तले मोया ऊपर होए, जीवन का हिस्सा है खाक है, मैला होना है। इसलिए इनू स्वर्ण वाला धोन वाला भी कोई सफाई करने वाला भी चाहिए। मेरा बनाया होया ये संसार जड़ा खाक तो पैदा होया, जेन दी सफाई करने वाला कोई ना होया तां लोग संसार तो नफरत करन लग पैणगे। अज तां संसार हर एक नूं चंगा लगता है, दुनिया कोई नहीं छड़ना चाहता, ते जे इंदा स्वर्ण वाला कोई ना होया लोग मेरी प्रोडक्शन तो ही नफरत करन लग पैणगे। मेरा रब बड़ा सियाना, उन्हें आख्या भावे मैं सृजनहार हाँ मैं स्वर्णहार नहीं, पर मैनू स्वर्णहार कोई बनाना पेगा। इसलिए कारा बनाने वाले ने अपने ऑथोराइज करके ऐसे टिकाने बना दिते ने भी इतों तुसी रिपेयर करा सकते हो अपनिया कंपनिया दे ही ऐसे टिकाने, पर उत्थे जायो बाजार विच मार्केट विच रिपेयर करने वाले बड़े बैठे ने जेडे अनऑथोराइज ने, जे उतों जाके सस्ते मुल वेख के भी ये थोड़े जाते सिर ते प्यार देना ते आखना जा तेरा जन्म सब मरन सवार लेता तू समझेगा सौखा है। ओ नकली पार्ट फिट कर देगा साडे विच जाप चौपाई या भगौती नकली पार्ट ही फट होए ने जिन्हां दे सहारे चले हुए हैं, किसी ने फिट किए ने गुरु कहंदे ने। इसलिए ऑथोराइज मेरे किसी सर्विस स्टेशन ते जाई उत्थे मैं आप पार्ट मुहैया करना सप्लाई करना, ते गुरु ने भी इसलिए आवाज़ दी कहन लगे आ मेरे कोल ओ पार्ट है जेड़ा मैं तेरे अंदर फिट करना चाहना, वो केड़ा है? ए तुर की बाणी आई
जैनुअन पार्ट है, तेरिया सारिया चिंतावां फिक्र खत्म हो जाएंगे, कोई एक्सीडेंट का डर नहीं रहेगा। ये मेरे रब का अपना सर्वस्टेशन है, उन्हें सृजना करके स्वर्ण वाला बना दिता है, पर तेरे लिए एक शर्त रखी है, जे को सिख गुरु सेती सन्मुख हो गए। अपने जीवन की गड्डी केवल गुरु रूपी सर्व स्टेशन ते लैके जाई, थां थां ना भटकदा फिरी, फिर मैं जिम्मेवार नहीं होऊंगा। लो ऐस शब्द की अगली लाइन भी यह हुई, कहन लगे खोटे सच्ची दरगे सुटी है, किस आगे करे पुकार, डिफेक्टेड हो गया, किस आगे करे पुकार। ते अगले पासे जवाब सी, कहन लगे सतगुरु पिछे भज पवें। ये मेरे मालिक दा रब दा बनाया होया सर्विस स्टेशन है, जिंदे कोल तुरकी बाणी दे असल पाठ ने। कहन लगे सतगुरु पिछे भज पवें, यह करनी सार, सब तो चंगा काम। सार करनी दा मतलब हुंदा है चंगा काम, सब तो चंगा काम यह है कि तू अपने जीवन की गड्डी जिहड़ी डिफेक्टेड हो रही है उन्हूं गुरु को ले जाए। सतगुरु पिछे भज पवें, यह करनी सार, फिर की करेगा गुरु सवारना रहे, शब्द है ही सवारन वास्ते, सतगुरु खोटियों खरे करे और नुक्स कढ देवेगा, मैल तो देवेगा। सतगुरु खोटियों खरे करे, शब्द स्वारन हार, ते फिर की होएगा जिस सच्ची दरगाह विच्चों रब ने सृजन हार ने सुटिया सी, हुण उसे ही सच्ची दरगाह विच मान्यता मिल गई, क्योंकि रिपेयर हो के आ गया। अगली लाइन, सच्ची दरगाह मनियन, फिर उस तो बाद दा जवाब है, सतगुरु पिछे भज पवे यह करनी सार, सतगुरु खोट्यों खरे करे, शब्द सवारन हार, फिर की होएगा सच्ची दरगे मनियन, जिथों कदी सुटिया गया सी, खरे खजाने पाइए खोटे सटिए बार बार, जिथों हुण उत्थे की होया सच्ची दरगे मनियन। क्यों? गुर के प्रेम प्यार, क्योंकि एक गुरु नाल असल सर्विस स्टेशन नाल जुड़ गया है, उत्थे रोज इनकी सफाई हो रही है, रोज इस सवारिया जा रहा है, रोज उस सुधारिया जा रहा है। कहन लगे फिर गणत इन्हां दी कोई क्या करे, फिर उन्हां दा हिसाब कौन करेगा भी इन दे विच कोई नुक्स आए, इसलिए मैनू इनकी की मैं कीमत नहीं दिंदा, मैं इनू अपने घर नहीं रखता। गुरु कहते ने बिल्कुल नहीं। कहन लगे सतगुर पीछे भज पवे, लो ऐसली जरूरत है जे को सिख गुरु से तीसर मुख होवे। सतगुर पीछे भज पवे, सच्ची दरगे मन
नियन सच्चे बरगे मनियन गुर के प्रेम प्यार चंगी गल है जीवन दी जे तू गुरु नाल जुड़ जाए गुरु दे सन्मुख हो जाए ते गुरु दे सन्मुख होना ये है गुरु दे सन्मुख होना है गुर की आज्ञा मन में सहे आपस को कर कछ ना चनावे ज्यो असी गुरु दे सन्मुख रहिए ता फिर सतगुरु खोटियों खरे करे फिर खोटे बन के सच्ची दरगे तो सुटे नहीं जावांगे बल्कि गुरु रब प्यार करेगा इसे दा नाम खालसा जे असी खालसे दे अर्थ बदल रहे ने पर श्री गुरु ग्रंथ साहब ने खालसे दे अर्थ स्पष्ट किते ने कहन लगे कह कबीर जन पए खालसे कौन प्रेम भगत जानी प्रेमा भक्ति अपने आप नूं समर्पण करना अगे समर्पण हो जाना उनके सन्मुख हो जाना यो ही खालसा है जिहड़ा सतगुरु ने श्री गुरु ग्रंथ साहब ने बख्शिश किया है इन्हां शब्दों नाल खिमांदा जा चुका फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।